हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विश्वास कला पांडे में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्र चल रहा है। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आप सब पर, हम लोगों पर, मतलब सभी पर कहने का मतलब बना रहे, इसी ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। और देखिए, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। ये पहले दिन का ही है, नवरात्र के पहले दिन का वीडियो है। ये बन गया था लेकिन हमने अभी एडिटिंग उसका नहीं कर पाए थे। बहुत सारा काम इस समय बढ़ गया है और कुछ रीज़न था, इस वजह से एडिटिंग नहीं हो पाया था। और यह वीडियो ऐसे ही रखी रह गई थी, आप तक नहीं पहुँच पाई। हमने सोचा आज समय है थोड़ा, तो आज वीडियो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, माता रानी की तैयारी सारा हम कर रहे थे। सुबह सुबह ही सब कुछ रख रहे थे दीपक जलाने का। और जानते हैं सुबह में कितना सारा काम रहता है। और इधर देखिए, माता रानी की तस्वीर जो भी थी, मूर्ति, सब कुछ हमने रख दिया है। और यहाँ पर सिंदूर से टीक रहे हैं, जो ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे बड़ा ही जल्दबाजी में, मतलब आराम से पूजा करने को भी नहीं मिल पाता है। गांव में आप लोग जानते हैं, इतना सारा काम हो जाता है कि किसी न किसी काम की वजह से ही अड़चन थोड़ा आ जाता है। फिर भी पूजा करनी चाहिए, पूजा मन से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत देर तक हो, थोड़े ही समय रहे, लेकिन मन से करनी चाहिए। तो हमने भी सोचा, थोड़ा समय जो भी मिला था तो समय पूजा और आरती हमने कर लिया था। बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ी देर ही हमने वीडियो चलाया था। और उसके बाद से हमने पूजा किया, फिर और सारा काम था वो सब किया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही भव्य लगता है माता रानी का स्वागत। वैसे तो हमेशा ही पूजा होती है, लेकिन इस नौ दिन में ऐसा लगता है कि सचमुच नौ दुर्गा के नौ रूप की माँ, मतलब हम नौ के घर पधारी हूँ। वास्तव में पूरा घर तो उनकी रोशनी से जगमगा उठता है और कहीं ना कहीं मन को सुकून और शांति भी मिलती है, बेहद प्रसन्नता होती है। केवल हमें ही नहीं, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्र आता है तो। और चारों तरफ माता के नाम की ही धुन सुनाई पड़ती है। जहाँ भी सुनेंगे आप, इस समय माता रानी के ही नाम की चर्चा है और सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। देखिए कितना भव्य लग रहा है। यह माता रानी की चौकी हमने सजा दिया था, जैसे भी हमको आया था। बहुत अधिक हमको अच्छे से सजाने नहीं आता है, लेकिन जितना हमारा सामर्थ्य था और जैसे हमको आता है उस तरह से हमने सजा दिया था। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उस दिन पानी भी चल रहा था हमारे यहाँ बागीचे में, तो कुछ वहाँ का, मतलब ये बाहर का ही सीन है हमारे। देखिए इधर फूल है और पाइप लगा हुआ है, पाइप से पानी जा रहा था चरी में। उस दिन संडे था, ये संडे की ही क्लिप है। तो राज उधर ही गए थे और राज के पापा दोनों लोग उधर गए थे देखने के लिए पानी जहाँ चल रहा था। और इधर भगवान भोलेनाथ जी हैं। देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा तुलसी जी का पौधा और फूल आंगन में हुआ है, शंकर जी के पास में। और सब कुछ खाना वाना बना चुके हैं हम, उसके बाद एक क्लिप थी थोड़ा। और फिर अब जा रहे हैं छत पर, छत पर धान भी फैलाना था। अब तो बहुत सारा धान हो गया, उस दिन तो थोड़ा कम ही था। तो ये हमारे नए वाले घर का सीन था। और अब जा रहे हैं छत पर और वहाँ पर धान फैलाएंगे, थोड़ा तिल था उसको फैलाए हैं। और इधर बागीचे का सीन दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए पाइप गई है पूरा बागीचे तक, एकदम जहाँ पर बड़ा पेड़ था लेकिन अब तो कट चुका है, बहुत सारा पेड़ वहाँ था। तो वहाँ का सीन आप लोगों ने देखा। और ये छत का ही सीन है, सब कुछ हमने फैला दिया है और फैला करके अब आएँगे नीचे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिएगा।